पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सहित पांच युवकों पर केलवाड़ा थाने में दर्ज हुए मामले में जमानत मिलने पर उदयपुर से कुछ समर्थक केलवाड़ा पहुंचे, जहां रिहा होने के बाद पांचों युवकों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उदयपुर में नव संवत्सर के दौरान आयोजित धर्म सभा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर भगवा फहराने की बात कही थी, जिस पर उदयपुर और राजसमंद में मामले दर्ज हुए थे। रिहाई की सूचना मिलने के बाद केलवाड़ा पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका नारेबाजी कर स्वागत किया। पांचों युवकों की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट देवेंद्र श्रीमाली ने बताया कि लंबी बहस के बाद माननीय न्यायालय ने हमारी बात को मानते हुए इनको जमानत दी है। माईसेल्फ एडवोकेट देवेंद्र श्रीमाली, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो एक हर शहर और हर जगह जो चर्चित मामला चल रहा है, जिसमें कुंभलगढ़ दुर्ग से हमारे पांच भाइयों को केलवाड़ा पुलिस थाने की कार्रवाई द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पांचों भाइयों की तरफ से अधिवक्ता में देवेंद्र श्रीमाली द्वारा पैरवी की गई, जिन्हें 24 घंटे बाद में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा दौराने बहस उचित जमानत मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।